हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। क्यों है एम्फीबॉलिक, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, डुअलिटी है, दोनों टाइप का इसमें हमें नेचर दिख रहा है। इसमें हम कैटाबॉलिज्म भी देख सकते हैं और एनाबॉलिज्म भी देख सकते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एनाबॉलिज्म में हमारा क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस में दोनों प्रोसेस चल रहा है, कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है और एनाबॉलिज्म भी चल रहा है। सब जान रहे हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम किस में ब्रेक कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और एनाबॉलिज्म में क्या हो जा रहा है, सिंथेसिस हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का विद द हेल्प ऑफ सिंपल कंपाउंड्स।